हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, ये ओलंपिक का सीरीज चल रहा है। इसके पहले के वीडियो में प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में फुल डिटेल में बता चुकी हूँ, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले उन दोनों वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आज का दोस्तों टॉपिक है ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक छल्ले, जो 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ओलंपिक मोटो आदर्श वाक्य जो सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस है, इस सबके बारे में मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या अदर एग्जाम से रिलेटेड, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, बीच में स्किप न कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है ओलंपिक ध्वज। दोस्तों, ओलंपिक ध्वज को 1914 ईस्वी में पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर बनाया गया, और इसको सर्वप्रथम फहराया गया कब, 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में इसको सबसे पहले फहराया गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि ओलंपिक ध्वज को कब बनाया गया। तो 1914 ईस्वी में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, तो पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। और ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले कब फहराया गया, तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में फहराया गया। तो दोस्तों, ये ओलंपिक ध्वज जो है सफेद रंग का होता है, और सफेद रेशम यानी सिल्क का बना होता है, किसका बना होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि ओलंपिक ध्वज किससे बना होता है, तो सफेद रेशम का बना होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक चिन्ह यानी 5 छल्ले, यानी ओलंपिक झंडे पर जो 5 छल्ले लगे होते हैं उसी को ओलंपिक चिन्ह या ओलंपिक लोगो बोला जाता है, ठीक है ना। तो ओलंपिक लोगो ये जो रिंग है 5 रंग के, तो उसी को ओलंपिक चिन्ह, ओलंपिक रिंग और ओलंपिक प्रतीक बोला जाता है। तो ये 5 छल्ले जो है आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अंग्रेजी के अक्षर W के आकार का दिखाई देते हैं, और ये आपस में इन 5 छल्लों का आपस में जुड़े होना किस चीज को प्रदर्शित करता है, मैत्री भाव को। तो ये 5 छल्ले आपस में जो जुड़े हैं ये मैत्री भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये 5 छल्ले किस किस रंग के होते हैं, 5 छल्ले 5 रंग के होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। और ये 5 रंग 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से नीला रंग यूरोप को प्रदर्शित करता है, पीला रंग एशिया को प्रदर्शित करता है, काला रंग अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है, और रेड रंग यानी लाल रंग अमेरिका को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको विशेष रूप से ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं और आपसी सद्भाव को प्रदर्शित करते हैं, तथा इन 5 छल्लों को ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से कब मान्यता मिली, 1924 के पेरिस ओलंपिक में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दोस्तों, ये वीडियो के हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो ये 5 छल्लों जो है, 5 छल्लों को ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार कब किया गया, तो 1924 के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओलंपिक मोटो यानी ओलंपिक का आदर्श वाक्य। दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक संस्था का एक मोटो होता है, उसी तरह ओलंपिक का एक मोटो है जो सीटीएस एलटीएस और फोर्टीएस है। जैसे एप्पल कंपनी का लोगो है एक एप्पल, और उसका मोटो है, आदर्श वाक्य है, थिंक डिफरेंस। उसी प्रकार ओलंपिक मोटो भी है, ओलंपिक मोटो जो है सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस है। तो इसकी रचना यानी 1895 ईस्वी में हेनरी डिडन, जो फ्रांस के शिक्षाविद थे, उनके द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत कब किया गया, 1895 में हेनरी डिडन के द्वारा। वो कहाँ के थे, फ्रांस के शिक्षाविद थे, उनके द्वारा किया गया। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये लैटिन भाषा में, लैटिन के शब्द है सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस। ये 5 छल्लों के नीचे मोटो के रूप में लगे होते हैं। तो दोस्तों, सीटीएस
का यहाँ पे अर्थ है, सीटीए से तात्पर्य है फास्टर, यानी और तेज, यानी अधिक तेज दौड़ना। आरटीएस से तात्पर्य है हायर, यानी और ऊंचा, अधिक ऊंचा कूदना। फोर्टीएस से तात्पर्य है स्ट्रांगर और बलशाली और अधिक मजबूत होना। तो यहाँ सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस का तात्पर्य फास्टर, हायर और स्ट्रांगर है, और इन्हीं तीनों के अंतर्गत सभी ओलंपिक गेम्स आ जाते हैं। और सभी ओलंपिक गेम्स में किसी में तेज दौड़ने के तेज होने की आवश्यकता है तो किसी में, और ऊंचा कूदने की आवश्यकता है तो किसी में अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। तो इन तीनों के ही बीच में सभी ओलंपिक गेम्स आ जाते हैं। तो ये ओलंपिक मोटो सभी गेमों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ये जो पांच छल्ले हैं, जो ओलंपिक लोगो यानी रिंग है, पांच छल्ले और ओलंपिक मोटो सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, ये संयुक्त रूप से ही ओलंपिक प्रतीक कहे जाते हैं, और जिस पर केवल आईओसी का अधिकार होता है। आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसी का एकमात्र अधिकार होता है और इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। और जो ओलंपिक ध्वज है केवल ओलंपिक खेलों के दौरान ही उसको फहराया जाता है, और किसी भी इवेंट में इसको नहीं फैलाया जाता है, फहराया जाता है केवल ओलंपिक खेलों के दौरान ही इसको फहराया जाता है। और ओलंपिक ध्वज को आईओसी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा समापन समारोह के अवसर पर, जहाँ पे ओलंपिक खेल संपन्न होता है, वहाँ के मेयर को सौंप दिया जाता है कि अगले ओलंपिक होने तक वो उसको सुरक्षित रखे। तो इस प्रकार ये था ओलंपिक मोटो, जिसकी रचना 1895 में हेनरी डिडन किए थे। दोस्तों, तो हेनरी डिडन जो थे वो पियरे बैरन पियरे डी कुबर्टिन के क्या थे, क्लोज फ्रेंड थे। और जो यानी पियरे बैरन कुबर्टिन जो थे वो आधुनिक ओलंपिक के पितामह, यानी आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने वाले थे। तो वो हेनरी डिडन के फ्रेंड थे जिन्होंने ओलंपिक मोटो की नींव रखा। तो दोस्तों, ये था ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक छल्ले और ओलंपिक मोटो के बारे में पूरी डिटेल में मैंने बताया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं पक्का है कि इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में। आने वाला टीजीटी, यूपी टीजीटी है, केवीएस है, एनवीएस है। तो दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की पूरी सीरीज चला रही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उनको भी ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।